अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो, कतर के इन खबरों से मैं आपको वाकिफ करना चाहते हो, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको कतर की पूरी जानकारी दोस्तों हो सके। तो साथियों, आज के वीडियो में सबसे पहली जो खबर साथियों आ रही है वो आ रही है QIB यानी कतर इस्लामिक बैंक की तरफ से आ रही है। तो साथियों, कतर इस्लामिक बैंक की तरफ से आज के दिन अनाउंसमेंट किया गया, यदि आप QIB दोस्तों, यदि आपका अकाउंट वगैरह है, यदि आप इंटरनेट बैंकिंग वगैरह यूज करते हैं, तो QIB के एप्लीकेशन में दोस्तों 3 नए फीचर्स को वहां पे अपडेट किया गया है। तो जो लोग भी कतर में आप लोग वहां पे मौजूद हो, यदि आप QIB वहां पे अकाउंट आपका खुला हुआ है, यदि वहां पे आप नेट बैंकिंग वगैरह करते हैं, एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, QIB जो एप्लीकेशन है उसको आप अपडेट कर लीजिए और 3 नए फीचर उसमें दिया गया है, तो तीनों नए फीचर्स को आप चेक कर सकते हैं। अगली खबर के साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो फिलीपींस के पार्लियामेंट की तरफ से आ रही है। तो यदि आप फिलीपींस के वर्कर हैं तो आपको बाखूबी दोस्तों पता ही होगा कि फिलीपींस में वहां पे इलेक्शन का भी माहौल चल रहा था, यानी इलेक्शन वहां पे चल रहा था। तो फिलीपींस में दोस्तों इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो 25 मई 2022 को आ चुका है, और वहां के जो फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट चुने गए हैं उनका नाम है फेरिडिनांड मार्कोस JR, जिनकी फोटो वीडियो के स्क्रीन पे आप दोस्तों देखने को आपको मिल रहा है। यही फिलीपींस के वहां पे नए प्रेसिडेंट वहां पे चुने गए। तो ये इलेक्शन दोस्तों कुछ दिन पहले ही हुआ था, उसका रिजल्ट 25 मई 2022 को आ चुकी है। अगली अपडेट की ओर चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की तरफ से आ रही, यानी MOPH की तरफ से आ रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की तरफ से दोस्तों बताया गया है कि लोकल मार्केट में जो एक दोस्तों USA का एक ब्रांड बेचा जाता है जिसे कहा जाता है GIF पीनट्स बटर, तो ये साथ ही उसको वहां पे चेक करने के लिए कहा गया, क्योंकि वहां पे कुछ प्रॉब्लम वगैरह वो पीनट्स के डब्बे में पाया गया है। अब उसमें चेक किया जाएगा, जिसका बैच नंबर है 1274425 से लेकर 2140425। तो ये सभी ब्रांड को जो है USA से जो वहां पे प्रोडक्ट को वहां पे भेजा जाता है कतर में, इसकी जांच वगैरह की जाएगी। जांच के बाद ही फिर दोबारा इसे इस्तेमाल करने के लिए या मार्केट में बेचने के लिए कहा गया है। अगली जो खबर है साथियों वो आ रही है प्लास्टिक बैग को लेकर। तो साथियों, आप कतर में अभी क्या होता है कि वहां पे सिंगल यूज प्लास्टिक जो होता है वहां पे अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि पर्यावरण के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है, काफी ज्यादा घातक है। तो कतर गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों और कतर के कुछ MPs की तरफ से वहां पे कैबिनेट में एक प्रपोजल रखा गया है कि पूरी तरीके से कतर में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया जाए। तो साथियों, फिलहाल ये बिल जो है वो अभी सौंप दिया गया है, यदि ये अप्रूवल मिल जाता है तो बहुत ही जल्दी पूरे कतर में कहीं पे भी आपको प्लास्टिक के दोस्तों यूज इस्तेमाल आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो बहुत ही बड़ी खबर है साथियों, सभी कतर में काम करने वाले वर्करों को लेकर। तो आपको पता होगा दोस्तों, यदि आप कतर में यदि पिछले साल हो गए या फिर कभी भी काम करते होगे, तो कतर में जैसी गर्मियां आती है, जून का महीना आता है, तो वहां के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर लॉ की तरफ से बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की जाती है। वर्करों को टाइमिंग को चेंज कर दिया जाता है, वर्करों को काम करने की मनाही होती है उस टाइम से लेकर उस वक्त तक। तो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से यह बोला गया है कि 1 जून से लेकर 15 सितंबर 2022 तक लेबरों को 10 बजे सुबह से लेकर 3:30 बजे तक काम नहीं कराने का वहां पे आदेश दिया गया है। तो जितने भी वर्कर कतर में काम करते हैं, जो कि ओपन एरिया में खासतौर पे कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह पे, तो 10 बजे से बाद से लेकर 3:30 बजे शाम तक किसी भी वर्कर से काम नहीं करवाया जाएगा। यदि कोई भी वर्कर काम करता हुआ पाया जाता है तो वर्कर को भी और ये जो कंपनी करवा रही है तो उसे 100 कतरी रियाल से लेकर 200 कतरी रियाल तक का जुर्माना उनको देना पड़ सकता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट की, सॉरी दोस्तों, 1000 कतरी रियाल से लेकर 500 कतरी रियाल से लेकर 1000 कतरी रियाल तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो हमद पोर्ट की तरफ से आ रही है। तो साथियों, हमद पोर्ट को पूरी दुनिया में दोस्तों एफिशिएंसी गेटवे, यानी दोस्तों पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे हमद पोर्ट को रखा गया है। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में बंदरगाह जितनी होती है उसकी रैंकिंग की जाती है, तो रैंकिंग के दौरान इस बार हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, सॉरी पोर्ट को, बंदरगाह को तीसरे पायदान पे हासिल किया गया है। तो दोस्तों, ये कुछ खबरें थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथ ही नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक।